ये तो चाइनीज लग रही है, ये तो चाइनीज की लग रही है। कौन है ये? तो गाइस अभी शकुंभर देवी से तो आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। ये सारा टपर रेडी हो चुका है हरिद्वार जाने के लिए, और ये दोनों बहुत देर से लड़ रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जो समझ नहीं आ रहा क्यों लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे भाई? क्योंकि इसको मेरी गाड़ी में नहीं जाना, नहीं जाना। अरे तो क्यों मेरी गाड़ी में नहीं जाना ना? ये गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं, और ये मेरे पापा बैठे हैं गाड़ी के लिए भी लड़ रहा हूँ। इन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसों के लिए लड़ रहे हैं। पापा लोग क्यों मार रहे हैं? हम जाएंगे कैसे? पापा तो मानो की घर चले गए, मानो के घर क्यों? अच्छा ये बात है, रिश्तेदारी फुल निभाते हैं तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए। हरिद्वार के लिए यहाँ से निकलने के लिए दो ढाई घंटे कम से कम लग जाते हैं वैसे, ठीक है, दो ढाई घंटे लग जाएंगे यहाँ से पहुँचने में ना। मतलब यहाँ घर आ गए थे हम काफी देर पहले, यहाँ पे चाय वगैरह पी हमने, काफी देर छक मारते रहे, थोड़ी मैंने वीडियो एडिटिंग करी यहाँ पे बैठ के, तो उसमें टाइम लग गया था। भाभी अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, ये देखो ये सारे मतलब रेडी हो चुके हैं। पापा मेरे फुल चिल मार रहे हैं अब बैठ के, इनको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से। देखो पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। और भाभी कब से मेकअप कर रही है, ढाई घंटे से मेकअप कर रही है भाभी, अब भी देख लो फुल मेकअप करके खड़ी है, फिर भी गंदी लग रही है। मैं नींद से उठी हूँ यार। चलो इन दोनों के अलग ही नखरे चल रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं इतनी देर से। ये हाँ जी चले, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। इसमें ना यही चक्कर होता है, अगर सबके साथ चलना ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। एक घंटे से ऐसे बाहर खड़े हैं और झग मार रहे हैं सारे के साथ, एक घंटे से ऐसे बाहर घूम रहे हैं सारे घर से, आधा घंटा पहले घर से बाहर निकल चुके थे। और पता नहीं ऐसा कौन सा इतना हैवी डिस्कशन चल रहा है इन सबका। ये देखो पापा अब भी फोन पे लगे पड़े बहुत देर से, जब से एक घंटा हो गया पापा को आए हुए तब से फोन पे लगे पड़े। मम्मी अपने लोग गोपाला जी को साथ में ले आई है। मम्मी इनको गोपाला बोलते, क्या बोलते हैं इनको? क्या लड्डू गोपाल जी साथ में लेके आई है मम्मी, और मम्मी इनके चश्मा भी ढूंढ रही थी, अब इनको गोवर्स पिलाने हैं। आप इधर बैठ जाओ, पहले पकड़ चलो। वो कहाँ जाएगी अब? मोड़ ना। चलो पापा बाय 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 करो, नानू को जय जय कर दो। ये तो यही रहेगी रोटी, पता नहीं पापा क्या देख रहे हैं, किसी का नंबर मिलाना यार। चलो बाय पापा, चलो बाय। तो अभी हमने चालू कर दिया अपनी हरिद्वार की राइड यहाँ से, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं, तो मतलब 9:10 तो बज जाएंगे यहाँ तक जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि घर से चलते चलते लेट हो गए थे, ठीक है। बाकी आगे का कंटिन्यू करेगी मेरी वेली बहन, पीछे बैठी है, ले पकड़। टीचर डलवाने के लिए काफी दूर आ गए थे, मतलब आधा ही घंटा दूर आ गए थे, तो टीचर डलवाने के लिए हो गया। कहाँ है लड्डू गोपाल, दिखाना मम्मी। हाँ ये देखो लड्डू गोपाल भी साथ में जा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं पीछे बैठ के, बताओ। तो ये वेली अभी भी ऐसे ही बैठी है, देखो कुछ नहीं कर रही है, झल्ली क्या कर रही है, फोन चला रही है देखो यहाँ बैठ के। और अभी कह रही थी मेरे बस का नहीं है कुछ भी। तो अपन ने अपना डीजल डलवा लिया है, हो गया ना, तो अब चलते हैं। चलो गाड़ी पे तो ध्यान है पूरा, तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपने होटल पे ना एक रूम ले रखा है हरिद्वार भी, मतलब होटल में रूम्स बहुत अच्छे बने हुए थे। तो ये पीछे है बैक एरिया इसका, मतलब रूम्स अच्छे बने हुए, और अभी तक सारे सो रहे हैं, हम उठ गए, कोई रेडी नहीं बन हुए, सारे ऐसे बैठ के जग मार रहे हैं अभी तक यहाँ पे।
अब नीचे जाना पड़ेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो सुबह सुबह छुपन छुपाई खेल रहे हैं और जाके देखो कहाँ छुप रहे हैं, जाके वार्डरोब के अंदर जाके छुप रहे हैं। रैक के अंदर छुप जाना इसमें। चलो हम जा रहे हैं, तुम खेलते रहना ठीक है। अब जाके फाइनल हुआ, अभी हम नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए ठीक है। चलो, अरे मेरे शूज कहाँ हैं? शूज। तो गाइस अभी रूम से तो चेकआउट कर दिया हमने और अभी हम आ गए हैं वॉक करके यहाँ पे। हर की पौड़ी जा रहे हैं, हर की पौड़ी जा रहे हैं हम यहाँ से हरिद्वार में। हर की पौड़ी जो है वहाँ पे हम नहाने जा रहे हैं, वहाँ से फिर थोड़ा घूमेंगे मार्केट में। और बहुत ज़्यादा रश है और गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट में। बट हाँ ये है कि फैमिली टाइम में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पूरा। थोड़े से मंदिर के भी दर्शन किए यहाँ पे। और ऊपर ये जो है ना, ये रेलवे ट्रैक है, ये पूरा रेलवे ट्रैक है। तो देखो अब हमें मिल गया है रिक्शा, अब रिक्शे में बैठेंगे हम। तो यहाँ से आगे हम जाएंगे रिक्शे में। तो हमें एक रिक्शा तो मिल गया है मम्मी लोगों के लिए, अब देखते हैं। और बच्चे भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं आगे अगर कोई रिक्शा और मिला हमें तो हम भी बैठ जाएंगे। बाय बाय बाय, ध्यान से पकड़ना देने में किसी। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं हर की पौड़ी। मार्केट पूरी क्रॉस करके बहुत पैदल का रास्ता था, मतलब 3 किलोमीटर का था। तो हमने रास्ते में ना रिक्शा पकड़ ली थी ठीक है। रिक्शा पकड़ के हम यहाँ हर की पौड़ी आ गए ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो रश ही रश है, पूरा रश है यहाँ पे, देखो पूरा पैक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ से नहाएंगे, चिल मारेंगे, थोड़ा सा फोटोज वगैरह लेंगे। ये देखो यही, ये देखो गाइस पानी का बहाव बहुत तेज है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पानी साफ है वैसे, और पहले ना हम सोच रहे थे कि यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे, बट थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हम रात को वैसे भी हम घूम के आ ही गए थे ऋषिकेश, तो इसलिए हम सुबह गए नहीं। अब थोड़ा लेट हो गए, तो फिर यहाँ से सीधा हम हरिद्वार आ गए। तो अभी हम नहा कर आ चुके हैं, डुबकी लगा लिया है, बहुत देर हो गई है, मतलब 1.5-2 घंटे से हम नहा रहे हैं। अभी भी बहुत भीड़ है, मतलब 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं हमें, अभी भी कंटिन्यूसली भीड़ चल रही है यहाँ पर, रश चल रहा है। और नहाने के बाद और ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, कुछ खाने का प्रोग्राम बन रहा है। क्या खाना है? क्या खाना है? बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है। शाम को मौसम अच्छा था कल, बट अभी बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा मजे लिए इस लड़की ने, सबसे ज्यादा मजे लिए इस लड़की ने, सबसे ज्यादा नहाई है ये, और अब रो रही है यहाँ पे, कह रही मेरे को दोबारा नहाना है। ये तो चाइनीज लग रही है, ये तो चाइनीज सी लग रही है। कौन है ये? और कितना साइज लग रहा है? तो गाइस अभी हम हरिद्वार से तो निकल चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है, और अभी हम मुजफ्फरनगर आई थिंक पहुंचने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद फैमिली ट्रिप बनाई थी हमने, काफ़ी सारे लोग हो गए थे। हम रात को हम ऋषिकेश चले गए थे, 3-4 बंदे अकेले, बस भाई मैं जीजू और बाकी सारे सो गए थे, फिर लेट हो गए थे, फिर रात को हम बहुत लेट सोए थे। फिर सुबह उठ के हम गए थे हरिद्वार, हरिद्वार में हम थोड़ा मार्केट में घूमे और फिर डुबकियाँ लगाई गंगा मैया की ठीक है। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में आके सो गया था नहा के, तो बहुत थकावट हो गई थी। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं, ये है श्री बालाजी वैष्णो ढाबा।
तो यहाँ पर अभी हम चाय पियेंगे, उसके बाद चलेंगे दिल्ली वापस। पहले तो मैं भाई के घर जाऊँगा फरीदाबाद, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे गुड़गांव। और हाँ, मुझे ना फ्लैट जो शिफ्ट करना था लास्ट व्लॉग में, आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे मैंने सामान तो रख लिया था पूरा, बट अच्छे से मैंने शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि एकदम से ना घूमने का प्रोग्राम बन गया था मेरा। तो अभी हाँ, वहाँ जाके मैं सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, फिर दोबारा से वहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे फ्लैट पे, तो आपको वहाँ पे पूरा अपना जो मेरा फ्लैट है पूरा फ्लैट अच्छे से दिखाऊँगा। मतलब काफ़ी अच्छा फ्लैट है मेरा, पहले वाले से बेटर है बहुत, ठीक है। चलो तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी भाभी अलग ब्लॉग बनाने में लगी हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए। चलो बाय बाय, टेक केयर।